शिशिर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चलिए फिर से गुजारते हैं कुछ पल केमिस्ट्री के। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डर के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर का डिटर्मिनेशन हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड पे किया, और वही मैंने आपको रेफरेंस किया था कि हेलोएल्केन चैप्टर का SN1 SN2 इस पे बेस्ड है। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आपको SN1 SN2 ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बोर्ड का पेपर, कॉम्पिटिशन का पेपर बिना SN1 SN2 के बन जाए, ये बहुत रेयर है। तो आइए बात करते हैं SN1 SN2 के बारे में। सबसे पहले SN रिएक्शन। SN रिएक्शन दो शब्दों से बना है, S एंड N। N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S means सब्स्टिट्यूशन। मेरे बच्चों, SN होता है, बोलते NS है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं बोलते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। मेरे बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल से बना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सबसे बड़ी पहचान, A- निगेटिव आयन। इसका सिंबल क्या होता है? Nu निगेटिव। बट ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल सिर्फ निगेटिवली चार्ज होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनायन न्यूक्लियोफाइल। पर न्यूक्लियोफाइल होने की शर्त क्या होती है? कंप्लीट ऑक्टेट में लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल की शर्त है। मेरे बच्चों, कब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा? जब उसके पास एटलीस्ट एक एटम ऐसा हो जिसका ऑक्टेट पूरा हो और उसमें कम से कम एक लोन पेयर हो, जैसे Cl-, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी ऑक्टेट पूरा है और चारों लोन पेयर है, ये अनदर मैटर है। इसके बाद आपका H2O है, ऑक्सीजन के पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर के रूप में, दो लोन पेयर के रूप में, ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज है, इस पे नहीं है। तो ये तो जरूरी नहीं कि हर न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज हो, बट यूजुअली सारे एनायंस यूजुअली न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, हम जिस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हमारा न्यूक्लियोफाइल एनायन ही होगा, न्यूट्रल वाले से हमको कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। आइए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए इतने शब्दों से आपका परिचय हो गया। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। Rx+OH- ROH+X-। तो भैया क्या हुआ इस रिएक्शन में? X गया, OH आया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? एक ग्रुप जाएगा, एक ग्रुप आएगा, आने और जाने वाले ग्रुप पर सेम चार्ज होगा। आइए बच्चों दर्शन कराता हूं। ये OH ग्रुप आ रहा है, X- जा रहा है। एक ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप जा रहा है, और दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है या नहीं। तो इस तरह से ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आने और जाने वाला क्या है? आने वाला और जाने वाला एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इन दोनों के पास कंप्लीट ऑक्टेट और लोन पेयर है। अब क्या हो रहा है यहां पे? एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक गया, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? SN रिएक्शन। SN रिएक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले मेरे बच्चों, ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? SN रिएक्शन पल्ले पड़ गया कि नहीं?
अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। जो एसएन रिएक्शन होती है मेरे बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। एक रिएक्शन होती है एसएन वन रिएक्शन और एक होती है मेरे बच्चों एसएन टू रिएक्शन। एसएन वन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर वन। एसएन टू का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर टू। मेरे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर वन मतलब Rx प्लस ए माइनस गिव्स Ra प्लस एक्स माइनस। कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं हम लोग, इस रिएक्शन को हम SN1 कब कहेंगे? जब रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। और यहां पे फिर से लिखेंगे आर एक्स प्लस ए माइनस गिव्स आर ए प्लस एक्स माइनस। यहां पे फिर ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, नेचुरली ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, यहां ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। इसे हम कहेंगे यहां पे रेट, इसे एसएन टू कहेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ रिएक्टेंट्स। मतलब SN1 और SN2 का प्रेजेंटेशन मेरे बच्चों सेम है, अभी बेसिक तौर पे सेम है। वही SN1 है, वही SN2 है, दोनों में एक ग्रुप आएगा, एक ग्रुप जाएगा, बस कहीं डिपेंडेंस एक रिएक्टेंट पे होगा, कहीं डिपेंडेंस दो रिएक्टेंट पे होगा, किसी का ऑर्डर वन होगा, किसी का ऑर्डर टू होगा। पहले यहां तक का बेसिक थॉट आप लोग के समझ में आ गया, लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन उठ गया, सर आप सेम प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन वन दूसरे क्वेश्चन टू कह रहे हैं, हम बच्चे कैसे इसको समझेंगे? तो अब भाई हमारी टीचिंग का स्टेप नंबर टू होगा। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया, अब देखिए सर, मेरे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको SN1 एंड SN2 विद रिस्पेक्ट टू हेलो एल्केन पढ़ा रहा हूं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो यार, जितनी बात काम की उतनी अच्छी, ज्यादा सुनकर के क्या करोगे? तुमको अभी बोर्ड एग्जाम देना है, उसके हिसाब से तैयारी करना है। अब देखो, तुम्हारे पास हेलो एल्केन का किसी ए माइनस से रिएक्शन हुआ और आर ए बना और एक्स माइनस बना। ये आर जो हेलो एल्केन का आर है, ये क्या हो सकता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कुछ भी हो सकता। यानी इस रिएक्शन में आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, एक प्राइमरी हेलो एल्केन का, एक सेकेंडरी हेलो एल्केन का और एक टर्शरी हेलो एल्केन का। अच्छा सर, फिर और आगे बताइए। देखो ये क्लियर कट SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सर इसके थ्रू आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हेलो एल्केन का आर प्राइमरी है तो फिर रेट दो रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, और ये क्लियर कट SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मतलब सर रेट एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। अच्छा सर, सेकेंडरी पे भाई मेरे इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मजबूरी में, पता नहीं सेकेंडरी वाले का, मुझे नहीं पता। इंडिविजुअली सेकेंडरी का पूछेगा तो मुझे नहीं पता। तो सर आपको पता किसका है? प्राइमरी का और टर्शरी का। क्लियर है? सिर्फ इतनी बेसिक सी नॉलेज, सिर्फ इतनी बेसिक सी नॉलेज के आधार पे आप अपने कुछ सवाल लगा सकते हैं। देखिए
कैसे कौन से सवाल लगा सकते हैं। मेरे बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में दो स्ट्रक्चर है, ये आपका टर्शरी है और ये आपका प्राइमरी। ये तो आप समझते होंगे टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी कैसे डिसाइड करते हैं। अब क्लियर कट मैंने क्या बताया, टर्शरी SN1 है तो ये SN1 होगा और प्राइमरी SN2 है तो ये SN2 होगा। मतलब एक टर्शरी और एक प्राइमरी में अगर तय करना हो कौन SN1 है कौन SN2 तो आप बहुत इजीली इसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं अभी इसको पूछूं आपसे कि ये SN1 है या SN2 है तो फिर आप भी मेरी तरह कहेंगे पता नहीं। क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं और जब मुझे नहीं आता तो आपको क्या आएगा। अब अगर एक नए कॉन्सेप्ट में बात करें, वो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो SN2 टेंडेंसी डिक्रीजेस और इसी लेफ्ट टू राइट जाने में SN1 टेंडेंसी इन टेंडेंसी इंक्रीजेस। इस कहानी का क्या मतलब है? ये जो सेकेंडरी अभी तक पता नहीं में पड़ा था, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको आएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कौन SN2 ज्यादा है। तो आप कहेंगे सेकेंडरी ज्यादा SN2 है, प्राइमरी ज्यादा SN2 है और सेकेंडरी कम SN2, ज्यादा और कम। और सेकेंडरी और टर्शरी में कंपेयर करेंगे तो सेकेंडरी ज्यादा SN2 है, टर्शरी कम। ऐसे ही SN1 टेंडेंसी की बात होगी, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में कंपेयर करना है तो प्राइमरी की SN1 टेंडेंसी कम, सेकेंडरी की ज्यादा। और सेकेंडरी और टर्शरी में कंपेयर करना है तो सेकेंडरी की कम, टर्शरी की ज्यादा। मतलब थोड़ी देर पहले जो सेकेंडरी के बारे में हम कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, अब हमें एक लॉजिक मिल गया, इन कंपेरिजन कम और ज्यादा का लॉजिक मिल गया। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है और ये स्ट्रक्चर सी। हमें इन्हीं तीनों में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म देना। जरा गौर से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म बिटवीन ए बी एंड सी। अब आपका जो ए है वो टर्शरी है, बी हमारा प्राइमरी है और सी हमारा सेकेंडरी है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जानते ही आप लोग, ज्यादा से कम की ओर। तो बताइए जरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सबसे ज्यादा SN1 कौन है? सर जी आप टर्शरी को बताए हैं तो ठीक है, ए आ जाएगा सबसे पहले, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऐसा वाला मुंह बन जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा सी क्योंकि वो सेकेंडरी है, और फिर आ जाएगा बी क्योंकि वो आपका प्राइमरी। प्राइमरी SN1 सबसे कम होता है, टर्शरी SN1 सबसे ज्यादा होता है। यहीं पे मैं अगर कहूं कि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 चाहिए तो ये वाला पॉइंट तो यहां भी चलेगा, ज्यादा से कम की ओर। अब सबसे ज्यादा SN2 कौन होगा? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब यहां पे बी आ जाएगा, बी के बाद फिर हमारा सेकेंडरी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर हमारा ए आ जाएगा। तो अगर आपको दो लोगों में SN1 SN2 कंपेयर करना है तो आप इस पैटर्न पे कर लेंगे। मैंने अभी इस टॉपिक को बहुत बेसिक रूप से आपके सामने थ्रो किया, मैंने अभी आपका परिचय कराया है। ये टॉपिक बहुत डिटेल रूप में आपको मिलेगा और बहुत से कंपाउंड, बहुत सी केमिस्ट्री चलेगी इसमें, मजाक वाला मामला नहीं है। लेकिन मेरा मानना है पहले परिचय हो जाए, आप तो कंफर्टेबल हो जाए तो आप यहां पे देखिए कि आप एक क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो गए। लेकिन हां, जैसे देखो बच्चों, पढ़ाई को अगर सही तरीके से टेकअप करोगे तभी काम कर पाओगे। जैसे तुम्हें SN1 SN2 कंपेयर करना है, इसमें सवालों पे काम करना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में जितने कंपाउंड दिए हैं SN1 SN2 कैटेगरी में, पहले तो तुमको उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। मतलब ये तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक थॉट दे रहा हूं, पहले तुम्हें उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर IUPAC नेम से स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर उनमें कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्शियरी है ये अपने आप आना चाहिए। आप सोचते हो डायरेक्ट SN1 SN2 रट लेंगे काम बन जाएगा, नहीं मेरे भाई, कितना होगा, तुम्हें कोई नकल भी करा देगा तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो पहचानो,
इसलिए उसकी भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा बना करके कि कैसे पहचानते हैं। अब जुड़े हैं तो बहुत कुछ करेंगे हम आपके लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप लोग समझ पाए कि नहीं, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये था, पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी था, SN1 या SN2 का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर देना था, मैंने क्वेश्चन को करके आपको दिखा दिया। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे बच्चों? टॉपिक को आगे लेके चलते हैं मेरे बच्चों। अब मैं आपके सामने SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। SN1 मैकेनिज्म, हेलो एल्केन चैप्टर, दिमाग में जो लॉजिक आता है वो RX+A- गिव्स RA+X-, ये रिएक्शन आती है और क्या तय हो गया कि R क्या होना चाहिए? टर्शरी, तभी तो यहां पे SN1 होगा ना। अब हम एक टर्शरी अपनी ओर से लेके चलते हैं, एक कार्बन, कार्बन के तीन बॉन्ड पे R लगा लिए हैं, एक को R1, एक को R2, एक को R3 कर लिए और X। अब जा करके ये हमारा रियल टाइम टर्शरी क्रिएट हुआ, इसमें हम A- की रिएक्शन कराएंगे R1 R2 R3 A+X-। ये अभी रिएक्शन है, ये दोनों अभी रिएक्शन, ये थॉट था, थॉट को रियल एग्जांपल में यहां पे कन्वर्ट किया मैंने आपको। अब मैं मैकेनिज्म पे चलूंगा, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का स्टेप वन कहलाता है मेरे बच्चों IONIZATION, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होगा, हमारा जो टर्शरी हेलो एल्केन है हम इसको लेंगे R1, R2, R3, इस पे X, इसका आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन में हेटरोलिटिक फिशन ऑफ C-X बॉन्ड होगा, ऐसा होने पे C R2 R1 R3 + X-, ये हमारा कार्बो कैटायन बना जो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कहलाएगा। अब देखिए स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे रिएक्शन का, A- है, कार्बो कैटायन पे अटैक करेगा +A-। A- अटैक किया कार्बन पे R1 R2 R3 A। मेरे बच्चों इस रिएक्शन में देखो बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें समझते हैं और मैं बहुत छोटी छोटी बातें समझता हूं, मुझे बहुत नहीं आता, बेसिक बात आती है। मेरे काम की बात क्या है इस पूरी मैकेनिज्म में, मेरे काम की बात क्या है, मेरे काम की बात सिर्फ इतनी है कि जब SN2 मैकेनिज्म हो रही है, SN1 मैकेनिज्म हो रही है तो रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, बस मोटी सी बात दिमाग में रखना है। SN1 रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है और पहले रिएक्शन स्टेप का जो इंटरमीडिएट है वो एक कार्बो कैटायन, मतलब इस स्टेप रिएक्शन के दो स्टेप होने के पीछे जिम्मेदार ये भाई साहब, इनकी इतनी औकात है कि रिएक्शन को दो स्टेप में करवा दे रहे हैं, मतलब सारा खेल इनकी स्टेबिलिटी पे, सारा खेल इनकी स्टेबिलिटी पे। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं, एक चीज सीख लो बाकी सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि SN1 मैकेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, खेल खत्म, पैसा हजम। जो भी हेलो एल्केन आपने लिया है हेलोजन को हटाने के बाद जो कार्बो कैटायन बच रहा है उसी की स्टेबिलिटी पर SN1 मैकेनिज्म पूरा डिपेंड करे। आपको SN1 मैकेनिज्म कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा का कभी मौका आएगा तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन कंपेयर कर लेना और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी मैं आपको उसके बहुत से शॉर्टकट भी दूंगा क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन डिसाइड करना भी बहुत कठिन है, हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, बट मेरे पास आपके लिए सारे रास्ते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म आपको दिखा, अभी और कुछ बातें पिछले टॉपिक से जोड़ते हुए, ये रिएक्शन थी मेरे बच्चों,
ये रिएक्शन थी। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म के दो स्टेप हैं। ये स्टेप पहला है जो स्लो है और ये स्टेप क्या है फास्ट है। आगे तो कहानी आप समझ ही गए होंगे कि हमारा स्टेप वन ही क्या बन गया, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्टेप की मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई, इस स्टेप की मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई वन। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया वन। तो इस तरह से मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन वन थी। और अब आप देखिए जो स्लोएस्ट स्टेप का मॉलिकुलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन होती है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया वन। और आपको SN1 कहने में आराम हो गया ना, SN तो ये है ही है और वन क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है वन। इस तरह से मेरे बच्चों आपने SN1 मैकेनिज्म को सीखा। अब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब बच्चों हम लोग SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। बेसिक लेवल पे प्रेजेंटेशन क्या है, Rx प्लस A माइनस गिव्स Ra प्लस X माइनस। अभी आपको मालूम है कि ये प्राइमरी होगा तभी आपका ये SN1 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। अब SN2 मैकेनिज्म के लिए RCH2X प्लस A माइनस गिव्स RCH2A प्लस X माइनस, ये आपका प्राइमरी है, है कि नहीं है। अब हमारे पास ये दोनों रिएक्शन हो गया। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। मेरे बच्चों अगर आप कभी किसी रेलवे स्टेशन किसी कचहरी के आसपास से गुजरते हो तो वहां पे अच्छे विचार लिखे रहते हैं। तो एक अच्छा विचार बहुत मैंने देखा है, लिखा है दुल्हन ही दहेज है। भाई साहब दुल्हन ही दहेज है का क्या मतलब? इसका मतलब भैया शादी करोगे तो अठन्नी नहीं मिलेगी, सिर्फ मैडम आएंगी घर, सिर्फ दुल्हन आएगी घर। समझ में आ रहा है ना, पढ़ो लिखो, दहेज के चक्कर में मत रहो, दहेज बहुत खराब चीज होती है। अब मेरे बच्चों दुल्हनी दहेज है कहने का मतलब क्या है, मेरी जो रिएक्शन है ना वही मैकेनिज्म है। SN2 में रिएक्शन ही मैकेनिज्म है, मतलब मैकेनिज्म में भी मैं यही लिखने जा रहा हूं RCH2X प्लस ए माइनस RCH2A प्लस एक्स माइनस, वही उतार दिए। अब बीच में आपका एरो है, थोड़ा सा बदमाशी करेंगे, थोड़ा एरो यहां थोड़ा एरो यहां, यहां पे ये कार्बन है इसकी ये एच है ये आर है, ये डॉटेड लाइन से एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉटेड लाइन से ए माइनस को जोड़ रहे हैं, मतलब ए भैया आ रहे हैं और एक्स भैया जा रहे हैं। देखो ये पेंटावेलेंट स्टेट है ना, ये पेंटावेलेंट स्टेट है ना, आपको मालूम है कार्बन ट्राई टेट्रावेलेंट होता है तो नेचुरली अनस्टेबल होगा। मेरे बच्चों SN2 मैकेनिज्म में स्टीरिक हिंड्रेंस भीड़ का बड़ा महत्व है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब मैं अपनी भाषा में उसे भीड़ भाड़ इफेक्ट कहता हूं कि बहुत से लोग बल्कि ग्रुप है उसी में आप भी अटैक करने चले गए, हाँ या नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक्स के रहते रहते अगर आप ए को ले आएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस तरह से ये ए जब आएगा तो सोचेगा यहां छोटे से छोटे ग्रुप हो तो यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा जैसे वहां का बना था कि SN2 मैकेनिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीरिक हिंडरेंस के। मतलब मेरे बच्चों दो कॉन्सेप्ट हो गया ना, SN1 मैकेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के और SN2 मैकेनिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। यही दो शब्द बताना था मुझे, यही दो शब्द SN1 SN2 की आत्मा है। जो इन दो शब्दों को जान गया वो SN1 SN2 का कोई भी सवाल इस दुनिया का सॉल्व कर सकता है। कोई भी सवाल मतलब मैं आसमान की बातें नहीं करता भैया, मेरा भगवान NCERT है, मेरा भगवान साइड बुक के वो क्वेश्चन है जो मेरा बोर्ड मेरे कॉम्पिटिशन में आते हैं। आपको मालूम है बहुत से सवाल इसलिए क्रिएट कराए जाते हैं कि आपको डरा दिया जाए। मुझे नहीं डराना, ना डरना, सीखना है और सिखाना है। आइए मेरे बच्चों आगे की बात करते हैं, जरा एक दर्शन कर लें मैकेनिज्म के। इस स्टेप में ये स्टेप फास्ट है लेकिन ये ओनली स्टेप है ना मेरे बच्चों, तो यही हमारा RDS होगा।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओनली स्टेप होने के कारण इसके स्लो फास्ट होने से हमको कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, टू। और जब ऑर्डर टू हो जाएगा तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, SN2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मैं अपनी बात को आप लोगों के लिए थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं। आपको SN1 के हिसाब से सोचना है तो SN1 मैकेनिज्म ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, और SN2 मैकेनिज्म के लिए सोचना है अगर आपको तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीयरिक हिंडरेंस एट कार्बन एट विच हेलोजन इज बॉन्डेड। अभी मैं आपको इसका यूज करा के बहुत बढ़िया से सारे टॉपिक को समझाऊंगा। अब जरा इसको देख लिया आप लोगों ने, ये आपके पास प्रॉपरली नोट होना चाहिए। अब जरा फिर से सारी बात शुरू से, यही तमाशा मेरे साथ बहुत ज्यादा चलता है। मैं एक साथ सारी बातें नहीं बताता, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए और बच्चों को तैयार करिए। आइए देखिए ध्यान से, RX प्लस ए माइनस गिव्स RA प्लस एक्स माइनस, ये SN रिएक्शन। अब यहां पे अभी आप लोगों ने तो देखा ही इसके SN1 SN2 होने के पीछे A माइनस का कोई रोल नहीं, सारा तमाशा RX का। हमें कौन ज्यादा SN1 कौन ज्यादा SN2 कौन कम SN1 कौन कम SN2 ऐसे क्वेश्चन से डील करना। तो मेरे बच्चों देखो, SN रिएक्शन के ये जो सवाल हैं ये आपको दो पैटर्न पे मिलेंगे। पहला पैटर्न क्या होगा, कंपैरिजन बिटवीन RX एंड R-X, और दूसरा कंपैरिजन बिटवीन RX एंड R-X। सर इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये भी एलोएल्केन, ये भी एलोएल्केन, ये भी एलोएल्केन, ये भी एलोएल्केन, चारों एलोएल्केन। अभी यहां जो पेयर ऑफ एलोएल्केन है इसमें हैलोजन सेम एल्किल डिफरेंट, हैलोजन सेम एल्किल डिफरेंट, यहां पे एल्किल सेम हैलोजन डिफरेंट, यहां पे दोनों के बीच में हैलोजन सेम है एल्किल डिफरेंट है, यहां पे दोनों के बीच में एल्किल सेम है और हैलोजन डिफरेंट है। अब एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस केस की बात कर रहे हैं तो SN1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है SN2। अगर दो लोगों के बीच में हैलोजन सेम है एल्किल डिफरेंट है तो जो मोर SN1 होगा वही लेस SN2 होगा, और जो मोर SN2 होगा वही लेस SN1 होगा। एक कंपाउंड के SN1 SN2 बिहेवियर में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी चलेगी। और जब आप सेम एल्किल और डिफरेंट हैलोजन की बात करेंगे तो SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SN2 होगा, मतलब जो SN1 ज्यादा वही SN2 ज्यादा। और इनके हम यही लगे हाथ ये भी क्लियर कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ हैलोजन के, ये भी शॉर्ट में निपटा लेते हैं। जितना बड़ा हैलोजन उतना बड़ा SN1 उतना बड़ा SN2। हैलोजन के साइज के बारे में तो आप जानते ही है ना, कि आपका हैलोजन क्या क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, साइज इनका इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे इनका साइज बढ़ता है कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इतने पे ही अब आपका सारा सवाल लग जाएगा। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, अब मैं आपको वन बाय वन NCERT के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा कि SN1 SN2 आपने कितने आसानी से पढ़ लिया है। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग NCERT के साथ। मेरे बच्चों आपके सामने
एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके तीन पार्ट हैं, ये एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा विच इज मोर एसेंट टू, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है विच इज मोर एसेंट टू। अब जरा आप गौर से देखिएगा ये और ये के बीच में, इन दोनों में पहली चीज आपको दिखना चाहिए कि दोनों हेड एल्केन है ना, फिर दूसरी चीज दिखना चाहिए दोनों मोनो हेलो एल्केन, एक हेलोजन है। तीसरी चीज आपको दिखना चाहिए कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन ज्यादा एसेंटू होता है? सर जी प्राइमरी, तो बस हो गया मोर एसेंटू। अब जरा सेकेंड पेयर में आइए, सेकेंड पेयर में आइएगा, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी में कौन ज्यादा एसेंटू होता है? सर जी सेकेंडरी, लो हो गया ये मोर हो गया। मैंने जो बेसिक सा थॉट आपको दिया, इसके बाद अब आप इस एग्जाम्पल पे आइए। अब देखिए ये सबसे मजेदार एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कैसे अटेम्प्ट होगा मैं आपको दिखाता हूं। सर ये कौन सा हेलो एल्केन है? ये भी प्राइमरी है। ये कौन सा हेलो एल्केन है? ये भी प्राइमरी है। अब पेट दर्द होगा, अभी तो प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शरी था कंपेयर करके बता लिए, अब इनको कैसे बताएंगे? मेरे स्टूडेंट हो टेंशन मत लेना, एसेंटू मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करती है? सर जी SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टीयरिक हिंडरेंस के। अच्छा मेरे बच्चों, स्टीयरिक हिंडरेंस माने क्या होता है? सर जी भीड़। अच्छा आइए देखें, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो ये कार्बन है, इनका ये कार्बन। इस कार्बन का स्टेटस देखें, दो पीएच एक पे भी आर, दो पीएच एक पे भी आर, मतलब यहां पे सब कुछ सेम है। अब इसके बाद इस कार्बन पे फोकस करें, इस पे दो एच है, इनके पास यहां पे एक एच और एक कार्बन, और फिर इधर भी कार्बन है, मतलब यहां दो एच है और यहां एक एच के बाद दो बॉन्ड पे कार्बन, यहां एक एच के दो एच के बाद एक बॉन्ड पे कार्बन। तो भीड़ कहां है आप, ज्यादा है? सर यहां ज्यादा है, ये हमारा मोर हिंडर्ड है, और SN2 स्टीरिक हिंडरेंस से इनवर्सली है मेरे बच्चों, मतलब जिस पे हम मोर हिंडर्ड करेंगे उसका SN2 कम होगा। तो फिर कौन मोर SN2 होगा? सर जी ये मोर SN2 होगा। आप मेरे स्टूडेंट है, आपके लिए टॉपिक प्रॉब्लम है ही नहीं, बस बेसिक बात को याद रखो कि SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए मेरे बच्चों? अब मैं एक तमाशा दिखाने जा रहा हूं आपको, मैं सेम क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं आपके साथ SN1 के लिए, विच इज मोर SN1। ऐसा NCERT नहीं कह रही पर मैंने बना लिया, कौन ज्यादा SN1 होगा? ये प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी में कौन ज्यादा SN1 है? सर सेकेंडरी। तो लो भैया ये मोर हो गया। अच्छा सेकेंडरी और टर्शरी में सर कौन होता है? सर टर्शरी। लो भैया ये मोर हो गया। बात समझ में आ रहा है? देखो क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है, आपको दिमाग में क्या रखना है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये क्लियर कट SN1 है और ये क्लियर कट SN2, और ऐसे जाने पे SN1 टेंडेंसी डिक्रीज करती है और SN2 टेंडेंसी इंक्रीज करती है। ये बात को आपको अपने माइंड में हर समय रखना है, एक ये वाली बात रखनी है और ये बात दिमाग में रखनी है कि आप हेलो एल्केन की बात जब कर रहे हैं और कंपेरिजन में एल्किल डिफरेंट हेलोजन सेम होता है तो आपका SN1 SN2 से इनवर्सली होता है या SN2 SN1 से इनवर्सली होता है, ये बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप सवाल का जवाब दे लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार अप्रोच दिखाने जा रहा हूं। अब ये तीसरे क्वेश्चन पे आइए, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी। अब क्या है हमें बताना है? SN1 कौन ज्यादा, डन। SN1 कौन ज्यादा कैसे अटेम्प्ट होगा जरा देखना। SN1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब मेरा स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करेगा इस सवाल को? CH3 CH CH2 CH2 plus CH3, इधर आ जाए CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये भी प्लस ये भी प्लस। आपके सामने दो कार्बोकैटायन है और आपको ये तय करना है कि इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही SN1 ज्यादा देगा। अब यहीं पे टाइम टाइम फिर मामला गड़बड़ स्टूडेंट के लिए, दो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वो भी बोर्ड एग्जाम के समय एकदम नरक ही होता है। हाँ ठीक है मैं आपको दिखा दूंगा मैं सिखा दूंगा, लेकिन हम लोग क्या है भैया जवाब जल्दी चाहिए क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे पास समय कम है।
ए मेरे बच्चों, एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लो। तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हें मालूम है ना, SN1 SN2 से इन्वर्सली है, SN2 SN1 से इन्वर्सली है। तुम्हें पता करना है इन दोनों में कौन ज्यादा SN1, कौन ज्यादा SN1, तो पता कर लो। कौन कम SN2, कौन कम SN2, और कौन कम SN2, जिसकी भीड़ ज्यादा, जिसका स्टीरिक इंडेंस ज्यादा, और किसका स्टीरिक इंडेंस ज्यादा, अभी दो मिनट पहले बताया था इसी का ज्यादा, तो यही तो मोर SN1 हो जाएगा। लो भैया, जवाब SN1 का देना था, रास्ता SN2 का ले लिया, SN2 के रास्ते जवाब दे दिए, इज इट ओके। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको जब SN1 के लिए बताया तो आंसर तो उल्टा ही आएगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि SN2 SN1 से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बच्चों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी के इंडेक्स का एक और प्रॉब्लम लेके आया हूं, 10.8। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे विच इज मोर SN1, दो लोगों में पूछा है। अंकल जी ये टर्शरी है, ये अंकल जी आपके सेकेंडरी है, टर्शरी सेकेंडरी में कौन ज्यादा SN1 होता है, सर जी टर्शरी होता है, तो ये मोर हो जाएगा, सवाल हल हो गया। अब आप इनके बीच में आइए, ये भैया मेरे सेकेंडरी है, ये मेरे भैया प्राइमरी है, सेकेंडरी प्राइमरी में कौन ज्यादा SN1 होता है, सेकेंडरी होता है, लो भैया ये मोर हो गया। मेरे बच्चों, आपके सामने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखिए, दो हेलो एल्केन के बीच में पूछ रहा है कौन ज्यादा SN2 है। इन दोनों एग्जांपल का जो एल्किल ग्रुप है वो सेम है, हेलोजन डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन में SN1 SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और वो साइज ऑफ हेलोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन सा हेलोजन बड़ा है, आयोडीन बड़ा है, इसलिए मेरी ओर से जवाब है मोर SN2 कौन होगा, ये होगा। अब जरा इस एग्जाम्पल के पेयर में आए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हेलोजन सेम है, एल्किल डिफरेंट है, यहाँ SN1 SN2 इनवर्सली चलते हैं, ये क्लियर कट टर्शरी है, ये क्लियर कट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी नहीं कहते हम इसको फिलहाल, तो टर्शरी क्लियर कट हमारा क्या होता है, SN1 ज्यादा होता है, तो मोर SN2 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SN1 SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। अब मेरे बच्चों, हम लोग SN1 SN2 के और भी बहुत सवालों के साथ अगले अगले लेक्चर में मिलेंगे, मैं भूल जाता हूँ।